नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूनो SBI एप्लीकेशन से आप अपना डेबिट कार्ड कैसे मंगा सकते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही अपने ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड के लिए। SBI का जो हमारा ATM कार्ड होता है, आप यूनो से ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर मैंने SBI यूनो का एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास इसका ID पासवर्ड है, मैंने पहले से ही एक्टिवेट किया हुआ है। तो अगर आपके पास भी ID पासवर्ड है तो आप किस तरीके से ऑनलाइन जो है अपना ATM कार्ड घर पे मंगा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से SBI यूनो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने SBI यूनो को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यू बैलेंस ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या है, ऐसे इसको सबसे नीचे आपको आ जाना है, क्विक लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाना है सर्विस रिक्वेस्ट में। ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पे ही सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको इस तरीके से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे जो है प्रोफाइल लिख के आ रहा है, सेटिंग लिख के आ रहा है, पेंडिंग रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देख लेना है ATM डेबिट कार्ड, तो आपको इस पर जो है ATM डेबिट कार्ड पे इस तरीके से ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है एंटर बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हम अपना यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड जो है एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दिया है। प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे सबमिट का जो बटन दिया हुआ है, इस पर इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट ATM डेबिट कार्ड। आप अपना कार्ड यहाँ से, अगर आपका कार्ड खो गया है तो आप यहाँ से इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। मैनेज कार्ड, यहाँ से आप अपना जो है कार्ड की लिमिट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आपका जो नया ATM कार्ड अगर आपके पास आता है तो आप उसको यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है अपना जो नया कार्ड यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने जो है रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे न्यू डेबिट कार्ड ऊपर लिख के आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे लिख के आ रहा है सेलेक्ट योर अकाउंट। अगर आपके पास आपने का SBI में जो अकाउंट है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो अकाउंट है वो दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं अपने अकाउंट पे क्लिक कर लूँगा। मैंने अकाउंट ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोल रहा है आपका जो कार्ड पे नाम रहेगा, नेम ऑन कार्ड, तो आपका जो बैंक की पासबुक में जो नाम है बैंक अकाउंट में, तो वो नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाम एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ कार्ड, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मास्टर क्लासिक कार्ड, रुपए क्लासिक, वीज़ा क्लासिक, मास्टर कार्ड ग्लोबल, वीज़ा ग्लोबल, मास्टर कार्ड कॉन्टेक्टलेस, और यहाँ पे वीज़ा कॉन्टेक्टलेस। तो आपका जो भी आपको कार्ड बनवाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुपए कार्ड पे इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट एड्रेस डिस्पैच, यानी जो आपका कार्ड है वो किस एड्रेस पे भेजना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे बोल रहा है करस्पोंडेंट एड्रेस, तो आप दोनों में से जो भी है आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड इन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं तो ये ब्लू कलर पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आपको परमानेंट है तो परमानेंट पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने परमानेंट पे क्लिक कर दिया है और अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन आ रहा है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक जो है ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उस ट्रैकिंग नंबर का जो है आप स्क्रीन शॉट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा, तो उससे जो है आप अपने जो डेबिट कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी जो है अपना ATM कार्ड जो डेबिट कार्ड जो है यहाँ से SBI का ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक का बटन दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।